सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज की सबसे बड़ी खबर, ताज़ा खबर ये है कि जिस फोन का इंतजार सारे एंड्रॉयड लवर्स कर रहे थे, वो फोन फाइनली लॉन्च हो गया कल न्यूयॉर्क के एक इवेंट में। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फाइनली लॉन्च हो गया है और सारे फीचर्स अनवील हो गए हैं। क्या क्या इसके अंदर नए फीचर्स हैं वो सब मालूम चल गए हैं। तो आज की सबसे ताज़ा खबर के ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, न्यूयॉर्क में कल ये इवेंट हुआ और सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 इन्होंने लॉन्च कर दिया सैमसंग ने। और इसमें एक सबसे बड़ी खास बात जो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S7 ने जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दिए थे, इतना अच्छा फ़ोन लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 एज, तो उसके कारण से एक्सपेक्टेशन नोट 7 के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे हम सभी लोगों के। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि S7 एज और S7 की सक्सेस के बाद अगर देखें, अगर नंबर्स के हिसाब से, तो सैमसंग का प्रॉफिट पिछले 2 सालों में अब तक सबसे ज़्यादा लास्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 2 सालों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। तो नोट 7 के साथ काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे और काफ़ी हद तक ये एक्सपेक्टेशन पर खरा भी उतरा है और कई मामलों में खरा नहीं भी उतरा है। अगर सबसे पहले फीचर्स की शुरुआत करें तो गैलेक्सी नोट 7 हमेशा की तरह सैमसंग का फैबलेट है। 5.7 इंच की इसके अंदर स्क्रीन है जो कि सुपर एमोलेड है, जिससे जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अच्छे कलर्स, थोड़े ओवर सैचुरेटेड कलर्स ज़रूर नज़र आएंगे, पर ज़्यादा बेहतर कलर्स सुपर एमोलेड स्क्रीन में नज़र आते हैं। 1440x2560 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, जाहिर सी बात है फुल एचडी से ज़्यादा बेहतर रेजोल्यूशन है। और डिज़ाइन वाइज जो इसको किया है, स्क्रीन कर्व्ड स्क्रीन थोड़ी की है, हालांकि जैसे हमें S7 एज में देखने को मिली थी उस हिसाब से कर्व थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कर्व्ड स्क्रीन दी है जो दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। प्रोसेसर वाइज अगर बात करें तो 2 प्रोसेसर के इसमें वर्जन आएंगे, एक स्नैपड्रैगन 820 और दूसरा एक्सिनॉस 8890 प्रोसेसर इसके अंदर दिया जाएगा। उम्मीद ये है कि इंडिया में जो वर्जन लॉन्च होगा वो एक्सिनॉस प्रोसेसर के साथ वाला वर्जन होगा। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि नोट 7 जो लॉन्च होगा उसमें 6GB रैम सैमसंग देगा। अब यहाँ पर जो लोग इस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे तो उनका दिल थोड़ा सा टूटा ज़रूर होगा, क्योंकि इसके अंदर 6GB रैम नहीं बल्कि 4GB रैम ही दी गई है। पर एक अच्छी चीज़ जो इन्होंने की कि इंटरनल मेमोरी को बढ़ा दिया है, 64GB इंटरनल मेमोरी इसके अंदर दे दी गई है, जो कि पिछले 32GB से बड़ी है। इसके अलावा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये मार्शमेलो के साथ अभी आ रहा है, पर सैमसंग की ऑफिशियल्स ने ये बात बोली है कि ये एंड्रॉयड 7.0 नूगट जो है उसके ऊपर भी ये अपग्रेड कर जाएगा जब उसका अपग्रेड जल्दी लॉन्च होगा। जो सैमसंग के सारे नोट डिवाइसेस में होती है, जो एस पेन, जो वो छोटी सी डंडी होती है जिसे कई लोग स्टाइलस बोलते हैं, सैमसंग उसे एस पेन बोलता है, तो एस पेन को इस बार पिछले हर वर्जन की तरह थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। आप कई उसके साथ फंक्शन कर सकते हैं, जैसे कि .gif इमेजेस को भी आप एडिट कर सकते हैं उस एस पेन के ज़रिए। पर जो एक सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो मेरे हिसाब से जो हुआ एस पेन में, क्योंकि आपको याद होगा नोट 5 के अंदर एस पेन पीछे की तरफ से भी घुस जाता था, जो कि डिज़ाइन का बहुत बड़ा एक फ्लॉ था, तो इन्होंने वो चीज़ सुधार ली है। तो एस पेन आपके नोट 7 में जो है सिर्फ एक ही साइड से घुसेगा, दूसरी साइड से अगर आप घुसाने की कोशिश करें तो नोट 7 उसके अंदर जाएगा नहीं। जहां पर बात करें अगर हम इसके बेसिकली और डिज़ाइन के बारे में, तो जैसे इन्होंने S7 और S7 एज में वाटरप्रूफ डिज़ाइन दी थी IP68 सर्टिफाइड, तो यहाँ पर भी नोट 7 के साथ सैमसंग ने वो चीज़ बरकरार रखी है, वाटरप्रूफ डिज़ाइन दी है, जो कि अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल यूजेज उसका बहुत ज़्यादा होता है। बैटरी करीब 3500 mAh की बैटरी दी है, पिछले वर्जन में 3000 mAh की थी, तो 500 mAh और ज़्यादा बढ़ गया है। पर जो सबसे बड़ा चेंज जो मैं कहूँगा कि पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरीके से रेवोल्यूशन ला सकता है और खास तौर पर एप्पल के जिसे कहा जाए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ा सकता है, वो ये है कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा जो दिया गया है वो है रेटिना सेंसर, आयरिस स्कैनर दिया गया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा फिंगरप्रिंट एक बार में कैसे भी तो हैक किया जा सकता है, स्टील किया जा सकता है, पर रेटिना का जो हमारी जो आयरिस होती है वो हर किसी की अलग होती है, तो यहाँ पर आयरिस स्कैनर दिया गया है। हालांकि अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 950 XL जो कि पिछले साल करीब दिसंबर में लॉन्च हुआ था, तो उसमें आयरिस स्कैनर सबसे पहले दिया गया था, पर वो एक बीटा स्टेज में था। यहाँ पर सैमसंग ने आयरिस स्कैनर नोट 7 में दिया है, और जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स या बोले पूरे स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए एक नया, मतलब रेवोल्यूशनरी स्टेप होने वाला है।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खबरें ये आ रही हैं, अगर इंडिया स्पेसिफिक हम बात करें तो नोट 7 11 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हो सकता है, फिंगर क्रॉस्ड। और बाकी सारे फीचर्स आपको नोट 7 के कैसे लगे, आप क्या सोचते हैं कि नोट 7 क्या सैमसंग के प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा पाएगा, या आप मेरी तरह थोड़ा थोड़ा ये सोचते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 जो है इसमें इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ है, माइनर इवोल्यूशन, पर रेवोल्यूशनरी अगर देखा जाए तो आयरिस स्कैनर के अलावा और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी आप लोग क्या सोचते हैं बताइए मेरे ट्विटर पर, और साथ में फॉलो कीजिए टेक गुरु के पेज को, और वहाँ पर भी आप अपने लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। अभिषेक तेलंग साइनिंग ऑफ।